नगर निगम इंदौर द्वारा शहर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार शहर के विभिन्न बाजारों एवं क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्टर मनीष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की उपस्थिति दवा बाजार क्षेत्र से सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया। इसके पश्चात कलेक्टर एवं आयुक्त की उपस्थिति में सियागंज, जवाहर मार्ग, बजाज खाना चौक, मारुठिया बाजार, शीतला माता बाजार एवं MTH हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं अन्य COVID-19 परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में आसपास के समस्त प्रमुख बाजारों एवं क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। उसमें जितनी भी तंग गलियां हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, क्योंकि जो वायरस रहता है कोविड का, ये अलग अलग सर्फेसिस पर अलग अलग समय रहता है। ये 30 दिन से ज़्यादा भी रहता है सर्फेस पर। तो कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ साथ वायरस भी खत्म होना ज़रूरी है। आज जितने भी अपने दवा बाजार है, MTH के अंदर MTH अस्पताल है, कोविड के पेशेंट जहाँ हैं, MRTV, CSTV, सुपर स्पेशलिटी, MIH कैंपस, इसको पूरा एक टीम कर रही है। दूसरी टीम पूरी यहाँ मारोठिया बजाज खाना चौक से जितनी भी तंग दुकानें हैं, गलियां हैं, ये इसको पूरा कर रही है। सियागंज वाले पूरे क्षेत्र को एक टीम कर रही है। तो ऐसे जितने भी कंजेस्टेड एरियाज हैं, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कोविड पेशेंट्स हैं, इसको अगले 2-3 दिन में लिया जाएगा। तो एक बार सब 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का सोल्यूशन, जिसको सावधानीपूर्वक बनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, इसको पूरा हर जगह एक बार डल जाएगा। ये इससे डेफिनेटली जो भी वायरस होंगे सर्विस में जो सस्टेन कर रहे होंगे, उसमें फर्क पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, इंदौर।